नमस्तुभ्यम सर्वेभ्य नमो नमः। केके शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ में मैं हूं केके शिक्षा गुरु। बोर्ड क्लास का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जी हां, कोरोना के बाद में जो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी, एक बार तो आपका टाइम टेबल जारी किया गया था, अब नया टाइम टेबल जारी किया गया। 24 मार्च 2022 से शुरू होगा, 26 अप्रैल 2022 तक चलेगा, 33 दिन तक चलेगी परीक्षा। कैसे करेंगे आप डाउनलोड जो है अपना प्रवेश पत्र, और कौन से दिन कौन सी परीक्षा है, कौन सी कक्षा कि कौन सी परीक्षा है, किस समय से लगा कर किस समय तक है, देखिए इस वीडियो में। इससे पहले हम बता दें हमारे चैनल पर कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है और व्याकरण पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो हमेशा देखने के लिए अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हैं तो अपने मित्रों को व्हाट्सएप वगैरह पर जो है शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का शानदार वीडियो। जी हाँ, कक्षा 10वीं का सबसे पहले आपको टाइम टेबल बता देते हैं। सबसे पहली परीक्षा 10वीं की 31 मार्च को होगी। जी हाँ, 31 मार्च को अंग्रेजी अनिवार्य की परीक्षा होगी, और 5 अप्रैल को विज्ञान की, और 12 अप्रैल को गणित का एग्जाम होगा, और इसके अलावा 18 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, और 22 अप्रैल को तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू, गुजराती और सिंधी, पंजाबी और संस्कृत का होगा, और संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र प्रवेशिका का होगा, और अन्य कक्षाओं में साधारण विद्यालयों के अंदर है संस्कृत का 22 अप्रैल को ही होगा, और परीक्षा जो है 25 अप्रैल को हिंदी अनिवार्य की होगी, और 26 अप्रैल को व्यावसायिक विषयों की परीक्षा होगी जो अन्य कक्षाओं के लिए, अन्य विद्यालयों के लिए लागू नहीं है। ये 6 तारीख जो है 31, 5, 12, 18, 22 और 25 को आपके एग्जाम होगा। 25 अप्रैल को 10वीं की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। बीच में काफी गैप मिल रहा है तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, इस तरह से आपकी जो है 10वीं की परीक्षा होगी। अब बात करते हैं कक्षा 12। कक्षा 12 के लिए आपके सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के प्रथम दिन 24 मार्च को मनोविज्ञान का पेपर होगा, शुक्रवार 25 मार्च को पर्यावरण विज्ञान, 26 मार्च को लोक प्रशासन विषय की परीक्षा होगी, 28 मार्च को शारीरिक शिक्षा, 29 मार्च को समस्त संगीत विषय, और 30 मार्च को समाजशास्त्र, 1 अप्रैल को संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मय, और 4 अप्रैल को भूगोल का, लेखा शास्त्र का, भौतिक विज्ञान का, 6 अप्रैल को अंग्रेजी अनिवार्य, 8 अप्रैल को हिंदी अनिवार्य, 11 अप्रैल को इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, और 12 अप्रैल को अंग्रेजी साहित्य, टंकण, लिपि, हिंदी, और 13 अप्रैल को गणित का, 15 अप्रैल को अर्थशास्त्र का, शीघ्र लिपि, हिंदी, अंग्रेजी, और कृषि, जीव विज्ञान की परीक्षा होगी। इस तरह से आपके 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल है। 18 अप्रैल को कंप्यूटर विज्ञान, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, और 19 अप्रैल को गृह विज्ञान, 20 अप्रैल को दर्शन शास्त्र, सामान्य विज्ञान, 21 अप्रैल को राजनीति विज्ञान और भू विज्ञान, कृषि विज्ञान की परीक्षा होगी, 22 अप्रैल को व्यावसायिक विषयों और वरिष्ठ उपाध्याय विषयों की परीक्षा होगी, और 23 अप्रैल को हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य और राजस्थान साहित्य तथा फारसी साहित्य, प्राकृत भाषा, टंकण लिपि, अंग्रेजी, और 26 अप्रैल को चित्रकला विषय का परीक्षा होगा, और 26 अप्रैल को परीक्षा पूरी हो जाएगी। अब बोर्ड का यह परीक्षा कार्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है, और यहीं से आपका प्रवेश पत्र जो है मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि समय, कौन सी परीक्षा का समय कब होगा। 8वीं का प्रवेश पत्र जो है टाइम टेबल अभी जारी नहीं हुआ है, जारी होते ही इसी चैनल पर आपको सबसे पहले शीघ्र बता देंगे, जिस तरह से यहां पर अभी जो आधे घंटे पहले जारी हुआ था और अभी आपको जस्ट हम बता रहे हैं, उसी तरह से 8वीं का भी बताएंगे। अब आपको बताते हैं समय। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया है कि शिक्षाविदों की राय पर सीनियर सेकेंडरी स्तर पर पहली बार बड़े अनिवार्य विषयों के स्थान पर छोटे वैकल्पिक विषयों की परीक्षा पहले होगी। अब तक बड़े अनिवार्य विषयों की परीक्षा पहले हो रही थी, लेकिन सेकेंडरी और प्रवेशिका और समकक्ष की सभी परीक्षाएं, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 31 मार्च जो शुरू होगी, और ये मंगलवार 26 मार्च को समाप्त होगी, और सभी परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की, जी हां, टाइम देख लीजिए, 9 बजे से 11:45 तक रहेगी, यानी कि 9 बजे से 12:15 तक रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में केके शिक्षा गुरु को आज्ञा दीजिए, भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।